आज बात करते हैं हम HbA1c क्या होता है, अपन केस के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास पेशेंट आई, उनको 3 साल से डायबिटीज़ है और हमने उनको डायबिटीज़ के लिए कुछ मेडिसिन लिखी थी। उनकी शुगर शायद कंट्रोल हो गई तो उसने मेडिसिन स्टॉप कर दी थी। आज वही पेशेंट 3 साल बाद फिर आई है तो उसने दवाई बंद कर दी है और हमारे पास ये रिपोर्ट के साथ आई है। आज की रिपोर्ट में उसका HbA1c 8.8 है, बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, ये तो कन्फर्म है। हमने पेशेंट का RBS चेक किया, वो आया 217। तो हमको सीखना है कि HbA1c को कैसे अप्रोच करना है। तो HbA1c क्या है, पेशेंट खुद ही बता देता है कि मेरा 3 महीने का ब्लड शुगर बताता है। ये HbA1c में हमको 3 चीज़ें दिखेंगी, एक HB, एक A1 और C। हम जानते हैं हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो RBCs में है। HB के बहुत सारे टाइप होते हैं, A1, S, A2 होते हैं। ए इज़ अडल्ट HB। A1 क्या है, इज़ द पोर्शन ऑफ HB जो कि अटैच है किसी न किसी कंपाउंड के साथ। और सी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है और मेनली ग्लूकोज से अटैच है। लेकिन यहाँ पर जो सी यूज़ किया है वो मेथड है जिससे अपन HbA1c को सेपरेट करते हैं, उसके कटायन की वजह से HbA1c नाम दिया गया है। पेशेंट का एडवाइस करेंगे डायबिटिक डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलर फॉलोअप। यहाँ पर हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स स्टार्ट कर देंगे। सबसे कॉमन ड्रग्स है मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन के साथ एक और ड्रग्स ऐड करनी पड़ेंगे क्योंकि HbA1c 7 के ऊपर है, तो हमको सेकंड लाइन ड्रग्स चूज़ करना होंगी। तो यहाँ पर हम SGLT2 इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर दे सकते हैं या फिर सल्फोनो यूरिया दे सकते हैं। अब सेकंड लाइन ड्रग में से कौन सी ड्रग्स चूज़ करना है, अगर पेशेंट अच्छा एजुकेटेड है और वो फिजिकल एक्टिविटी एंड डायबिटिक डाइट भी कर सकता है तो हमको ऐसी ड्रग्स चूज़ करना है जो हाइपोग्लाइसीमिया ना करें, लाइक DPP4 इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर।